ऐसी वीडियोस बनाने में रियली बहुत मेहनत लगती है एंड आप लोग वीडियोस देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। गाइस एक बार वीडियो को पूरा देखो, अगर आप लोग को उस वीडियो में मेहनत ना जा रही है ना तो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड हाँ गाइज, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल की लिंक दी हुई है जहाँ पे सिर्फ हम लोग इंटरेस्टिंग मॉन्टेजेस अपलोड करने वाले हैं। तो गाइज उस चैनल पे 1K सब्सक्राइबर के बाद गिवअवेज होंगे, तो गाइज उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो सारी तैयारियाँ हो गई है ना, आप जल्दी से निकलते हैं। हाँ हाँ, मैंने सब कुछ पैक कर लिया, चलो जल्दी। हाँ तब तो बहुत बढ़िया बात है, जल्दी चलो निकलते हैं, अब यहाँ से बहुत देर हो रहा है पहले से ही। चलो। अरे सुनो, सारी तैयारियाँ हो गई है ना, आज मेरी बेटी पहली बार आ रही है शादी के बाद, सारे सब कुछ ठीक से कर देना। हाँ हाँ सब कुछ ठीक से कर दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारा काम मैंने कर दिया है। चलो बहुत बढ़िया, वो लोग अब आते ही होंगे। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ऐसे वेब पेज के बारे में बता रहा हूँ जिसका यूज करके आप अपने फ्री फायर के अकाउंट के अंदर 30,000 डायमंड भी ले सकते हो। प्रूफ के तौर पर गाइस आप लोग यहाँ पे देखते हो, गाइस मुझे 500 रुपये का रिडीम कोड मेरे मोबाइल नंबर पर मिला है। सो गाइस आप लोगों को सिंपली कुछ भी नहीं करना है, इसको करने के लिए आप लोगों को सिंपली मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस लिंक पर आप जैसे जाओगे आपके सामने कुछ ऐसा वेब पेज आएगा, तो आप लोगों को सिंपली वहाँ पर अपना पेटीएम नंबर डाल के यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे आप लोग वहाँ पर जाकर पेटीएम नंबर डाल के सबमिट पर क्लिक करोगे, आप लोग को एक नए पेज पर फॉरवर्ड करेगा एंड वो पेज पूरी तरीके से ड्रीम इलेवन का होगा। तो गाइस ड्रीम इलेवन के पेज आने के बाद आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, जीमेल डालना है एंड आपको यहाँ पे अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है जिसके अंदर एक अल्फाबेटिक नंबर होगा, एक न्यूमेरिक नंबर होगा एंड यहाँ पे कोई भी सिंबल होगा जैसे कि @ एंड हैशटैग कुछ भी। एंड गाइस उसके बाद सो गाइस डायमंड मिलने का चांस तभी होगा जब आप इस पर रजिस्टर करते हो एंड गाइस आपके मोबाइल नंबर पर आपको रिडीम कोड सेंड कर दिया जाएगा। सो रजिस्टर करना मत भूलना, लिंक है डिस्क्रिप्शन। चलो जल्दी अंदर चलते हैं, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे हाँ ठीक है चलो ना, मैं कहाँ रुक रहा हूँ, तुम्हें को चलना है ना आगे। अरे हाँ हाँ चलो मैं चलती हूँ, जल्दी आओ। अरे बेटी तुम लोग आ गई, अभी हम तुम लोग की ही बात कर रहे थे। हाँ चाची आने में लेट हो गया थोड़ा, पर हम लोग आ गए। अरे बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि हमें चाची मत बोला करो, भैया के गुजरने के बाद हम ही लोग तुम्हारे माँ बाप हैं। अच्छा ठीक है आज के बाद नहीं बोलूंगी, सॉरी। ठीक है तब तो तुम लोग बात करो, हम लोग नीचे चलते हैं, आ जाए बेटा नीचे चलते हैं। और बेटा सब बढ़िया है ना? हाँ माँ सब कुछ सही है, आ जाओ। अरे बेटा हम लोग तब से बात कर रहे हैं पर हमारी बातें तो खत्म ही नहीं हो रही। अरे तुम लोग की बात तो हो गई, तो मेरी बात सुनो, हम लोग थोड़ा बाहर घूमने जा रहे हैं, उनको थोड़ी नई नई जगहें दिखा देता हूँ मैं, ठीक है? चलो तुम लोग बात करो, हम लोग सबसे जाते हैं। अच्छा ठीक है जी, जाइए। अरे बेटा सुनो मेरी बात। हाँ चाचा बोलिए, क्या हुआ? बेटा उनका कोई दोस्त मिल गया था तो वो वहीं रुक गए और मुझे बोला कि आपको भी लेते हैं, तो चलो बेटा मेरे साथ, मैं तुम्हें उनसे मिला देता हूँ। यहाँ पे भी दोस्त मिल गया, हद है, चले चाचा जल्दी चलते हैं फिर। हाँ बेटा जल्दी चलो, इसके बाद मुझे भी काम से कुछ बाहर जाना है। हाँ ठीक है चाचा, जल्दी चलिए जल्दी चलिए। अरे बेटा जब यहाँ से जा ही रहे हैं तो तुमको एक सीन दिखा देता हूँ, ये देखो परगटरे के सबसे सुंदर जगह है ये। अरे वाह कितनी सुंदर है ये जगह, मैंने पहली बार देखी है इसे। हाँ बेटा मुझे पता है तुमने इस जगह को पहली और आखिरी बार देखा है। क्या क्या मतलब आखिरी बार? क्यों? क्योंकि ये जगह अब टूटने वाली है। पर क्यों, इतनी सुंदर जगह तोड़ने की क्या जरूरत? जगह नहीं टूटने वाली है, तू मरने वाली है। क्या आप ये क्या बोल रहे हो? तेरे पति को तो परलोक भेज ही दिया है। देखो बेटा कितनी अच्छी जगह है ये। हाँ अच्छी जगह तो है, बिल्कुल ही अच्छी जगह है। हाँ बेटा मरने के लिए भी। मरने के लिए मतलब? अभी तुझे पता चल जाएगा कि ये जगह क्यों अच्छी है, चल निकल साले।
ये जमीन की बात थी, अपनी बेटी को जमीन देके गया था ना वो, अब सारी जमीन ले लूँगा मैं। आह 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 आह, मुझे हिस्सा नहीं मिला ना, मिलेगा, पूरा मिलेगा। चाचा आपको जमीन चाहिए थी तो मुझसे बोल देते, मैं सारी दे देती, ऐसा करने की क्या जरूरत थी। ये तो ये बात तुझे खुद सोचनी चाहिए थी ना। अब तू भी मरेगी क्योंकि तुझे पता है कि तेरा पति को मैंने मारा। चल निकल। पति भी मर गया, पत्नी भी मर गई, अब सारा धन मेरा, अपना पैसों पे सोएगा रे, पैसों पे। देखो तुमने ठीक नहीं किया, तुमने बहुत गलत किया जमीन के लिए। अरे वो बात छोड़, वकील से बात हो गई है, आज मुझे ये जमीन मिल जाएगी और मेरे नाम से हो जाएगी। हा। उसके बाद जिंदगी में पैसों की कोई कमी नहीं होगी। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। अरे चाचा पैसों की जिंदगी कब तक जियोगे, पीछे भी तो देख लो। अरे तू जिंदा कैसे, मैंने तो तुझे मार दिया था, तू जिंदा कैसे हो गई, ये जिंदा कैसे हो गई, ये भूत है क्या। चाचा मारने के पहले सोचना तो चाहिए ना कि पूरा मार दिया, बचा लिया मैंने। अरे तुम ऊपर से कैसे गिर गई, तुम ठीक तो हो, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, जल्दी चलो। डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, इसने इस दर्द का मतलब है मुझे अपनों ने मारा है, किसी और ने नहीं। ये फालतू बातें मत करो, जल्दी चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। अच्छा अच्छा, बचाने के साथ साथ बहुत कुछ सिखाया। पर चाचा मैं तो बच गई, आपने मेरे पति को मार के अपना बदला पूरा कर लिया। अरे सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या, कैसे सरप्राइज? अब मैं क्यों बताऊं, तुम खुद पे खुद ही देख लो, ऊपर आ जाओ। अरे ये जिंदा है? जैसे मैंने तुम्हें बचाया ना, सेम जगह मैंने इसे ही बचाया है। वाह रवि भैया, आपने तो हमें दूसरा जन्म दिया। और किसी ने हमारा जन्म छीनने की कोशिश की। और चाचा बताओ अब आपके साथ क्या किया जाए। ए बुढ़वा बाहर निकल साले, तुझे आज छोड़ूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ मुझे जमीन दे। अब ये कौन है बेटा? वो जमीन, ये जमीन वो हमसे छीनना चाहता है बेटा। व्हाट, अब ये क्या हो रहा है, ये कहाँ से आ गया इसमें? चलो चाचा आप बात करो, हम आपके साथ रहेंगे, चलो। ताले बुढ़वा, तुझे ये जमीन जबरदस्ती मुझे देनी होगी, किसी भी कीमत पे तुझे देनी होगी ये जमीन साले। सुनो, तुम्हारी आज तक जितनी भी ट्रेनिंग है वो दिखाने का टाइम आ चुका है, अब तुम्हें अपना काम करना होगा, जाओ दिखा दो इसे। शांति से चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ए ये लौंडिया मारेगी हमें। अब बोल क्या हुआ। अरे मुझे माफ कर दे रे, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी खतरनाक है, माफ कर दे मुझे बहन, माफ कर दे। जनाब ये बात आपको पहले सोचनी चाहिए थी ना, अब क्या। बेटी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटी अपनी जिंदगी में, बेटी तू भगवान है बेटी, बेटी मुझे माफ कर दे बेटी, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दे। चाचा आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती नहीं की, कोई बात नहीं, पर हाँ मैं समझ सकती हूँ आपका दुख। कोई बात नहीं चाचा, आज मैं ये सारी जमीन आपके नाम कर दूंगी। नहीं बेटा
मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जिस काम के लिए जमीन चाहिए थी वो गुंडा मर चुका है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।